नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस 25,000 इन प्रश्नों की श्रृंखला में, जिसमें हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन एवं समान विज्ञान के जितने भी अति महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं, उनका ये पूरा संग्रह है। यह सामान्य विज्ञान का 6वां पार्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम कंकाल, जो मांसपेशीय तंत्र हैं, उनके बारे में एवं पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न आते ही आपको जैसे पता है कि टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा और मैं ऑप्शंस आपके पढ़ना शुरू कर दूंगा। हमारा पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। ऑप्शंस आर अस्थियों का, जल का, शारीरिक अंगों का एवं त्वचा का। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज जल का। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो किसका है, जल से बना है, जिसमें क्या है, इसकी लगभग 2/3 तक पाई जाती है। इसका मात्रा कितना है, लगभग 2/3। अगर हम बात करें एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया है UPPCS 2007 में कि वयस्क मानव के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा का जो भाग है, प्रतिशत मात्रा कितनी है ये बताइए। तो उसमें हमने आंसर्स आपको मैंने बताऊं अगर तो उसका आंसर होगा 65%, वयस्क की बात की जा रही है। लेकिन अगर वहीं किसी नवजात बच्चे की बात की जाए तो उसमें 75% भाग जल का होता है। वयस्क पुरुष की हम बात करें तो 60-65 एवं वयस्क स्त्रियों की बात करें तो 55-60% भाग जो है वो जल का बना होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है। ठीक है, विलायक होता है। जीव तंत्रों के अन्य जो अधिकांश पदार्थ जल में क्या है, घुले रहते हैं। इस प्रकार जो कोशिका द्रव्य है, उत्तक द्रव्य है, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर का अधिकतर भार जल का है, जो प्रश्न इसमें से बनने वाले हैं। नवजात शिशु में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 75%। वयस्क पुरुष में, वयस्क जो मानव शरीर है उसमें, वयस्क पुरुषों में 60-65% और स्त्रियों की बात करें तो 55-60% भाग जल का बना होता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, टाइम स्टार्ट करते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है, टाइम्स अप, आई होप आपने ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे और हमारा सही जवाब था ऑक्सीजन। कुछ इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे मानव शरीर में जो प्रधान रूप से 6 तत्व होते हैं, कितने तत्व हैं, 6 तत्व। ये बात क्लियर हो गई कि मानव शरीर में जो प्रधान तत्व हैं वो कितने हैं, 6। आइए उनका हम क्रम वाइज नाम आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा और छठवां जो है वो है कैल्शियम तथा फास्फोरस। नाम आपको याद हो गए होंगे। ऑक्सीजन मैं अब प्रतिशत भी बताने वाला हूँ। ऑक्सीजन 65%, जो कि सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन, इसकी प्रतिशत मात्रा है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन केवल 3%, और कैल्शियम जो है वो 1.4%, और जो फास्फोरस है वो 1.1% है। तो ऑप्शंस में ऐसे नाम अदल बदल के लिख सकते हैं। जैसे इसमें लौह, सोडियम, आयोडीन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा। अगर ये प्रश्न ये बने कि
कि मानव शरीर में जो प्रधान जो मूल तत्व हैं निम्न में से कौन सा नहीं है। हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस और एक चौथा हमारा हो जाएगा सोडियम। तो हमारा ये सोडियम वाला ऑप्शंस सही हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्रिय 2014 मेंस 2013 इस तरीके से अगर आप देखोगे यूपीपीसीएस 2007 में अलग अलग तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टाइम स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारे ऑप्शंस हैं वोमर, मैलियम, स्टेपेज और इनकस। वोमर, मैलियस, स्टेपेज, इनकस। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज स्टेपेज। स्टेपेज क्या है इसके बारे में अगर हम समझें कि मानव जो का जो शरीर होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपेज। और ये कहाँ पाई जाती है, यह कान में पाई जाती है। जबकि अगर हम सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो क्या है, वो फीमर है। और वह कहाँ पाया जाता है, वह जांघ में पाया जाता है। तो दोनों हड्डियों को हमें याद करना है। सबसे छोटी स्टेपेज कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और बन के आता है कि वयस्क मानव जो होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या कितनी है। ये वेरी इजी क्वेश्चंस है इसलिए मैंने इसीलिए लिया नहीं है। ये यूपी लोअर पीसीएस 2004, उत्तराखंड पीसीएस 2010, आरएएस 1997, तो इन परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये इजी क्वेश्चन है कि 206 हड्डियां होती हैं। कितनी अस्थियां हैं, 206। एक क्वेश्चन और है, 41वें बिहार पीसीएस प्री में आया है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो इसमें भी क्या होगा, कोई नहीं होगा। ऑप्शंस उसमें दिए थे 100, 200, 300, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा कि 20 वर्ष तक की जो आयु के जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 206 ही है। तो इसलिए मैंने इन प्रश्नों को नहीं लिया है। हमने इसके बाद जो प्रश्न लिए ये वाला हमारा था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस 2008, यूपी यूडीए और एलडीए स्पेशल प्री में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हम अभी तक अपने तीन प्रश्नों को ही देख पाए हैं और आप देखोगे कि इन तीन प्रश्नों में हमने कम से कम 10 से 15 प्रश्नों को क्या किया, हल किया है। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए भी मैं अब क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या भी पिछले वीडियो की तुलना में क्या है, बढ़ गई है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। हमारा समय समाप्त होने के लिए मात्र 10 सेकेंड में समय समाप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। तो समय हमारा स्टार्ट है, हमारे ऑप्शंस हैं 32, 28, 30 और 40। खोपड़ियों में जो कुल अस्थियां हैं, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। समय हमने स्टार्ट कर दिया है, हमारे ऑप्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट और लास्ट ऑप्शन है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चंस हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरीके के वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों जो पसलियाँ हैं उनके कितने जोड़े होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 14, 12, 10 एंड 11। पसलियाँ कितनी जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं पसलियाँ मानव के शरीर में, 14, 12, 10 और 11। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज 12। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। ऑप्शंस हैं खोखली होती है,
ठोस होती है, सरंध्री होती है और किलक होती है। हमने ऑप्शंस आपको बताए, खोखली, ठोस, सरंध्री और किलक। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कि मनुष्य के जो पैर की हड्डी है वो ठोस होती है। अगला प्रश्न है हमारा, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऑप्शंस को। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आधान, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण। शल्य क्रिया को क्या कहते हैं हम ऑपरेशंस को, और आर्थोप्लास्टी क्या है इसी को आपको बताना है। टाइम्स अप, आंसर इज कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन है वो आर्थोप्लास्टी कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। समय समाप्त होने में केवल 7 सेकेंड बचे हुए हैं। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं मांसपेशीय, फाइब्रीन, स्नायु, तंतुमय। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज स्नायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? याद रखिएगा क्या बोला गया है, नहीं है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है कि पौष्टिक तत्व में अस्थियों दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं। आयोडीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, कैल्शियम। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज आयोडीन। इसमें किसी भी तरीके का जो अपनी भागीदारी है वो नहीं निभाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहे हैं तो इसे जल्दी से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बारी विकसित होते हैं? ठीक है, कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 28, 12, 20 एंड 4। ओके, तो मैं इसमें आपको केवल 5 सेकेंड दूंगा। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज 20। तो जो 20 दांत होते हैं वो क्या है, दो बार विकसित होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर मैं बात करूं कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार आपको याद होने चाहिए, इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनकी संख्याएं भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 4 जोड़ी केनाइंस हैं जैसे, तो इनका भी हमें नंबर्स पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमने समय शुरू कर दिया है, सबसे दृढ़ भाग शरीर का। ऑप्शंस आर अस्थि, डेंटिन, सीमेंटन और दंतवल्क। सबसे दृढ़, सबसे मजबूत। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज दंतवल्क। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीथ का, जो दांत का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसमें बिल्कुल ऊपरी पार्ट जो इसको हम कहते हैं इनेमल इंग्लिश में और हिंदी में दंतवल्क, यह सबसे दृढ़ भाग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां, हमने ऑप्शंस लिए हैं जांघ में, हाथों में, गर्दन में और जबड़े में। ये क्वेश्चन UPPCS प्री 2008 में पूछा गया है। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वह सबसे मजबूत होती हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हमारा पाचन तंत्र के जो प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न से लेकर के 26-27 नंबर जितने भी क्वेश्चन हमने आज लिए हैं, इन सभी प्रश्नों में हम पाचन तंत्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो आपकी तरफ है, 14वां नंबर, समय शुरू हो चुका है, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। आपके लिए मैं फिर से प्रश्न को पढ़ता हूँ, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज, आमाशय। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज छोटी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे अधिकांश भाग, पाचन का अधिकांश भाग क्या होता है, वहाँ पे संपन्न होता है। एक मैं जल्दी से अगर आपको प्रोसेस बताऊँ कि फूड पाइप के थ्रू हमारा भोजन स्टमक, पेट में जाता है, वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पचता है, वहाँ पाचन की क्रिया अधिकांश होती है। और जितना भी हमारा जो
रॉ मटेरियल है जो बच जाता है, जो पचता नहीं है, वो हमारी बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू, एनस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार, हमारे ऑप्शंस आपने देखा, वसा, प्रोटीन, रेसे, स्टार्च, एंड करेक्ट आंसर इज स्टार्च। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? दोस्तों, एंजाइम से मैं अगर बात करूं तो गिनती कम पड़ जाएगी। ये क्वेश्चन इतनी बार घुमा फिरा करके पूछा गया है। जैसे एंजाइम एक क्या है, एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम है, तीन प्रकार के प्रश्न बने हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2010, यूपी पीसीएस 1996, यूपी पीसीएस 2004, एमपी पीसीएस 1990, उत्तराखंड पीसीएस 2002, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 और लोअर पीसीएस 2013। उसके बाद झारखंड पीसीएस में भी ये 2013 उसी वर्ष में पूछा गया। तो सोचिए आप, एक कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समय हम स्टार्ट करते हैं। जो एंजाइम होता है वो मूलतः क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस हैं बायोत्प्रेरक, वायरस, बैक्टीरियम और विटामिन। एंजाइम एक क्या है, इसके लिए समय हमें वेट करना होगा। टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज बायो उत्प्रेरक है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। एंजाइम वस्तुतः क्या है, एक प्रोटीन है। ऑप्शंस हमारे जैसे आ गए, वसा है, शर्करा है, विटामिन है, प्रोटीन है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीन है, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं में को क्या करता है, उत्प्रेरक या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? बैक्टीरिया, प्रोटीन्स, डीएनए, एंजाइम। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा। समय समाप्त होता है और करेक्ट आंसर है एंजाइम। अभी हमने आपको बताया, बायो उत्प्रेरक भी कहते हैं, तो रासायनिक प्रक्रिया को क्या कर देता है, तेज कर देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया, लाइपेज, स्लेस्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया, ओके, वेरी गुड, टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज यूरिया। किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो यूरिया की उत्पत्ति किसका कार्य है, यकृत का। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव तंत्र में कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, टायलिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, ट्रिप्सिन, टायलिन, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, एंड टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम, ट्रिप्सिन, यूरिएज, एक कीटनाशक, एक कवक नासी, ठीक है, एक कीटनाशक और एक कवक नासी। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज ट्रिप्सिन, इसका सही जवाब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है, स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला जो एंजाइम है वो है डीहाइड्रोजीनेज, एनहाइड्रिनेज, इनवोल्टेज, एमाइलेज। करेक्ट आंसर इज एमाइलेज, इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, मानव शरीर में पुच कौन सी संरचना से संलग्न होता है? आमाशय, क्षुद्रांत, पित्ताशय, बृहद्रांत, ठीक है। पुच जो है संरचना से संलग्न है, आमाशय से, पित्ताशय से, क्षुद्रांत से या फिर बृहद्रांत्र से। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज बृहद्रांत्र। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? हमारे ऑप्शंस हैं आमाशय, अग्नाशय, पित्त या यकृत। तो किस में रहता है, चलिए देखते हैं। समय समाप्त और सही जवाब है हमारा यकृत में।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि और यकृत। हमारा सही जवाब जो यहाँ पे होगा वो है यकृत, हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का संचय निम्नलिखित किस अंग में होता है? हमारे ऑप्शंस हैं प्लीहा, अपेंडिक्स, अग्न्याशय, पित्ताशय। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए, समय समाप्त होता है और हमारा सही जवाब होगा पित्ताशय। अगला प्रश्न, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसके पाचन को प्रभावित करता है? ऑप्शंस आर प्लीहा, अपेंडिक्स, अमाशय या फिर वसा का। कि जो पित्ताशय में पत्थर उपस्थित जो पत्थर है वो पाचन में प्रभावित करता है। समय समाप्त और सही जवाब होगा आपका वसा का। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? वसा का प्रभावित करता है। अगला प्रश्न जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई होप अगर आप 21 मिनट तक जुड़े हुए हैं तो आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। पहला जो लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, पहले से लास्ट प्रश्न तक आप जरूर टिकें क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और ये कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ इसे देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम है? हमारे ऑप्शंस हैं पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस और फिर चाइमेस। टाइम्स अप एंड और करेक्ट आंसर इज पेप्सिन। ठीक है, कि देखिए प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरुआत होता है? उसका अमाशय से। अमाशय में पेप्सिन नामक एक एंजाइम प्रोटीन के छोटे पॉलीपेप्टाइड और उसके जो घटक हैं क्या एमिनो अम्ल में उसको विघटित करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।